नमस्कार, मैं संगीता तवर और आपने लॉग इन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। कबीर खान की एक फिल्म ने 50 लाख के इनामी आतंकी हाफिज सईद को डरा दिया है और वह इतना डर गया है कि उसने लाहौर हाई कोर्ट में कबीर खान की फिल्म फैंटम की रिलीज को बैन करने की मांग कर डाली और पाकिस्तान ने उसकी मांग को मानते हुए फैंटम मूवी को पाकिस्तान में बैन कर दिया है। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड और लश्करे तैयबा और जमातुल दावा का चीफ हाफिज नहीं चाहता कि इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज किया जाए। उसका कहना है कि फिल्म भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा एक दुर्प्रचार है। हाफिज सईद का कहना है कि फिल्म के जरिए उसके संगठन JUD के खिलाफ भी एक गलत भावना का प्रचार किया जा रहा है। ये फिल्म मुंबई आतंकी हमलों पर आधारित है। लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने गुरुवार को ये आदेश पास किया कि फैंटम को पाकिस्तान में रिलीज न होने दिया जाए। सईद के वकील और सरकारी वकील की ओर से पेश किए गए तर्कों के बाद उन्होंने ये फैसला किया। फैंटम 28 अगस्त को रिलीज होने वाली है। बैन करने से पहले जज ने कहा कि ये बात सभी को मालूम है कि पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की सीडी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ऐसे में कोर्ट सरकार से सिर्फ फिल्म की रिलीज को बैन करने की मांग कर सकता है। साथ ही वह सरकार से इस बाबत जवाब मांग सकते हैं कि वह इस फिल्म की सीडी को बाजार में उपलब्ध करने से रोकने के लिए जो कर सकती है वह करें। जज का कहना है कि अगर फिल्म की रिलीज पर कोर्ट बैन लगाता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सीडी को मार्केट में न आने दे। 8 अगस्त को हाफिज सईद के वकील AK डोगर की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि फिल्म की रिलीज से सईद की जिंदगी पर खतरा पैदा हो सकता है। फिल्म के डायलॉग पाकिस्तान की जनता को सईद के खिलाफ भड़का सकते हैं। इससे पहले कबीर खान की एक और फिल्म एक था टाइगर को भी पाकिस्तान में बैन करने की बात चली थी। वन इंडिया पॉडकास्ट में इतना ही। अधिक खबरों के लिए लॉग इन कीजिए